जी हाउस नशतान जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा आज का टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डेवलपमेंट होती क्या है। डेवलपमेंट जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया कि मदरवोम से जो सेल है उसकी जर्मनी जो स्टार्ट होती है, वहां से इंसान की जो आवाज है वो होता है। ये 2016 के पेपर में आया था कि लाइफ स्टार्ट फ्रॉम, उसका जो जवाब था वो जायगोट था। तो इसमें इसके बाद है कि जो डेवलपमेंट है वो कैसे होती है, उसका प्रोसेस कैसे चलता है, उसकी स्टेजेस कौन सी होती हैं, उसके प्रिंसिपल कौन से होते हैं। और उससे पहले हम देखेंगे कि डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क क्या होता है। अच्छा, ग्रोथ जो है, याद रखिएगा कि जो है इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसके दो अहम फैक्टर्स हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें जो टू टाइप्स हैं उसमें एक क्वांटिटेटिव होती है और एक क्वालिटेटिव होती है। जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है टू द चेंजेस इन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, जिसमें सिर्फ मिकदार आती है, जिसमें आपका इंक्रीज इन साइज है, लेंथ है, हाइट है, वेट है, एंड एक्सपेंशन ऑफ वोकैबुलरी है। और इसके मुकाबले में जो टर्म डेवलपमेंट है वो ओवरऑल चेंजेस उसमें आती हैं, जिसमें दोनों क्वांटिटेटिव भी होती हैं और क्वालिटेटिव भी होती हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट एज अ टर्म कैरीज अ वाइडर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग देन द टर्म ग्रोथ। तो जो वाइडर है वो जो डेवलपमेंट है वो वाइडर टर्म है, मेन टर्म है, बड़ी टर्म है, वसी है, जबकि जो ग्रोथ है वो उसका पार्ट है। जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है टू क्वांटिटेटिव चेंजेस ओनली, जबकि जो डेवलपमेंट है उसमें दोनों चेंजेस आती हैं, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। अच्छा, इसके बाद जो आगे आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें जो डेवलपमेंट है जिसमें कुछ चेंजेस होती हैं, एज के साथ साथ जो तब्दीलियां होती हैं, बच्चा जो है वो किस तरह से डेवलप करता है अपने आप को, इसके बेसिक जो चीजें हैं वो मैं आपको आज आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। ये डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट हैं कि वो कौन सी बेसिक डोमेन्स हैं जो बच्चा डेवलप कर रहा होता है। इसमें तीन जो बेसिक डोमेन्स हैं वो हम देखेंगे, ये आगे चलकर इनको जरा गौर से देखिएगा, आगे हमारी काफी सारे जो चीजें हैं वो इन्हीं से रिलेटेड होंगी, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट से। पहले तो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट या चाइल्ड डेवलपमेंट होती क्या है, जो बच्चे में जो एज रिलेटेड तब्दीलियां हैं वो उसकी डेवलपमेंट में फॉल करती हैं। अभी हमने सीखा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क क्या होता है और डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होती हैं। सबसे पहली जो डोमेन है डेवलपमेंट में बच्चे की बढ़ोतरी में वो है फिजिकल। बेसिकली तीन होती हैं, फिजिकल, याद रखिएगा, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल। फिजिकल, जैसा कि नाम से जाहिर है, चेंजेस रिलेटेड टू बॉडी, हाइट, कंट्रोल, हार्मोनल चेंजेस, इसी में ग्रोथ आएगी, साइज, ग्रोथ इन साइज, स्ट्रेंथ, डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस या यूज ऑफ सेंसेस। ये जो हमारा डोमेन है, जो हमारा एरिया है, वो फिजिकल में फॉल करेगा। फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीजें आएंगी, चेंजेस रिलेटेड टू बॉडी, हाइट, कंट्रोल ओवर बॉडी मसल्स, हार्मोनल चेंजेस, ये सारी तब्दीलियां फिजिकल होंगी। उसके बाद कॉग्निटिव, जैसा कि नाम से जाहिर है, कॉग्निशन है, थिंकिंग है, इसमें चेंज इन थिंकिंग है कि आपकी आपकी जो सोच है इसमें तब्दीली कैसे आती है, आपकी रीजनिंग इंक्रीज कैसे होती है, आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमेजिनेटिव जो फैकल्टीज हैं वो कैसे डिवेलप होती हैं, वो जो जहन से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड, आइडिया से रिलेटेड, थिंकिंग से रिलेटेड जो भी तब्दीलियां होंगी वो हमारी कॉग्निटिव डोमेन में फॉल करेंगी। तो पहली फिजिकल थी जिसमें जिस्मानी बढ़ोतरी थी हमारी, कॉग्निटिव में जहनी बढ़ोतरी आप कह सकते हैं। अब सोशियो इमोशनल, या आगे चलकर हम इसको सिर्फ एस ई देखेंगे, सोशियो इमोशनल कौन सी होती है, चेंजेस इन सोशल रिलेशन, अ चाइल्ड डिवेलप्स रिलेशन, जिसमें सोशियो इमोशन में क्या आता है, सोसाइटी प्लस इमोशंस, के मुआशरा, मुआशरती किरदार, मुआशरे में रहने के तरीके, मुआशरे के साथ एडजस्टमेंट, प्लस आपके इमोशंस, आपके जज्बात, एहसासात, तो आपके सोशल सोशल रिलेशन। ये तीन बेसिक चीजें हैं जो बच्चे की उम्र के साथ साथ, इसको एज रिलेटेड चेंजेस अभी हमने सीखा पढ़ा, ये उम्र के साथ साथ ये तीन डोमेन्स में बच्चा डेवलप करता है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल। आपने देखा होगा कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसमें कुछ बच्चे
कॉग्निटिवली अच्छे होते हैं, वो सोच उनकी ठीक होती है, उनके आइडियाज ख्यालात ठीक बढ़ रहे होते हैं, जबकि फिजिकली वो लैक कर रहे होते हैं। इसी तरह से कुछ सोशल इमोशनल में होते हैं। तो बेसिकली जो तीन एरियाज हैं, तीन डोमेन्स हैं जो बच्चे की डेवलप होती हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल इमोशनल। अच्छा, इसमें आमतौर पर सवाल पूछा जा सकता है, जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो ग्रोथ है वो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट होती है, इसी तरह से जो एक इनमें एक और पॉइंट, जो डेवलपमेंट है, याद रखिएगा, डेवलपमेंट बच्चे की लाइफ लॉन्ग होती है, पूरी जिंदगी होती रहती है, जबकि जो ग्रोथ है वो एक टाइम फ्रेम तक, एक लिमिट तक, एक एज लेवल तक आकर रुक जाती है। यहाँ पर एक और सवाल होता है कि ये तीन डोमेन जो भी हमने डिस्कस की है, इसमें से कौन सी डोमेन पहले डिवेलप होती है? विच डोमेन अ चाइल्ड डिवेलप्स फर्स्ट? सर कौन सी डोमेन? ग्रोथ फिजिकल कॉग्निटिव। इनमें तीन जो हमने डोमेन्स देखी हैं, फिजिकल है, कॉग्निटिव है और सोशल है। तो सवाल आ फिजिकल सकता है कि इनमें से कौन सी डोमेन है पहले आती है। फिजिकल होती जी 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 है जी याद फिजिकल। रखिएगा कि ये जो तीन डोमेन्स हैं, इनमें से कोई भी डोमेन पहले या बाद में नहीं सर होती है। माइंड ये मुमकिन नहीं कि फिजिकली बच्चा डेवलप हो जाए और कॉग्निटिवली अभी पीछे हो, या सोशियो इमोशनली अभी पीछे हो, ऐसा नहीं होता है। ये तीनों जो स्टेजेस हैं, तीनों जो डोमेन डेवलप होती है। हाँ, इसमें कुछ स्टेज की, कुछ बच्चों की एक स्टेज थोड़ी सी स्पीड से डेवलप हो सकती है, कुछ थोड़ी सी कम स्पीड से हो सकती है, लेकिन ये मुमकिन एक डोमेन पहले हो जाए, मतलब फिजिकली बच्चा पहले 15 साल का हो जाए, उसके बाद अभी कॉग्निटिवली वो 3 साल का हो, ये मुमकिन नहीं होता। याद रखिएगा कि जो डेवलपमेंट की जो तीनों डोमेन्स हैं, वो ऑलमोस्ट विद द सेम पेस और स्पीड चलती हैं। उसमें कुछ बच्चों में कुछ जो डोमेन है वो थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, किसी की दो ज्यादा हो सकती है, किसी की कभी तीनों ज्यादा हो जाती है, किसी एक बच्चे की किसी की दो पहले ज्यादा थोड़ा स्पीड से हो जाती है, लेकिन आमतौर पर ये एक साथ चलते हैं। जी, जो तीन डोमेन्स हमने देखी, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर होंगी। इसके बाद है काजेज ऑफ डेवलपमेंट। ये जो डेवलपमेंट होती है, इसकी काजेज क्या होती है, इनको हम इंशाल्लाह बड़ी डिटेल देखेंगे आपके बाद, जो इंशाल्लाह कोशिश होगी मेरी कि आपको ना भूले। काजेज ऑफ डेवलपमेंट, अच्छा, दो चीजें हैं, दो फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट की मेन काज होती हैं। पहला मैचुरेशन है, दूसरा लर्निंग है। मैचुरेशन को आप एच मैंने लिखा हुआ है, हेरेडिटी आप बोल सकते हैं, विरासत जिसे आप कहते हैं, लर्निंग में इन्वायरमेंट आता है। मैचुरेशन जो है वो क्या होती है? मैचुरेशन हेरेडिटी है जो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती, जैसा कि लिखा हुआ है, हाइट, बॉडी। आगे हम हेरेडिटी और एनवायरनमेंट को आगे भी डिस्कस करेंगे इसके कुछ पॉइंट, अभी जस्ट आप आइडिया ले लें। लर्निंग जो है ये परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होती है थ्रू एक्सपीरियंस, इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो हेरेडिटी होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, वो हमारी हाइट हो गई, बॉडी हो गई, हमारा आई कलर हो गया, हमारा हेयर कलर हो गया, हमारा स्किन कलर हो गया, ये जो बायोलॉजिकल होती हैं वो हमारे पास में नहीं होती हैं। और जबकि जो लर्निंग है ये परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो एनवायरमेंटल है वो हमारे पास में कुछ हद तक होती है, जबकि जो हेरिडिटी होती है वो नहीं होती है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज है, मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स क्या होते हैं? आप मोटर या मूवमेंट को कहते हैं वो वाले स्किल्स जो आपकी फिजिकल मूवमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर फिर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल भी देखेंगे, क्योंकि ये डेवलपमेंट के पूरे इस साइकोलॉजी के पूरे चैप्टर में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मोटर स्किल्स में दो तरह के स्किल्स हैं, एक को हम बोलते हैं, तो हमने अभी क्या सीखा था कि इन तीनों जो डोमेन्स हैं वो किन दो वजूहात की वजह से डेवलप होती है, एक को हमने हेरेडिटी कहा, दूसरे को एनवायरमेंट कहा, इसके बाद है इसको मैचुरेशन और एक्सपीरियंस भी कहा जा सकता है, अगर काजेज में आ जाता है ऑप्शन द काजेज ऑफ डेवलपमेंट और हेरिटी और एनवायरनमेंट, या मैचुरेशन और एक्सपीरियंस, तो वो दोनों उसमें से कोई भी आता है, आपने ही लगाना होगा। अच्छा, मोटर स्किल्स में हमारे पास दो तरह के होते हैं, जिसमें आप स्पीकिंग, राइटिंग, वॉकिंग एटसेट्रा,
जिसमें ये जो आपका फिजिकल मूवमेंट है वो मोटर स्किल है। अच्छा, इसमें फाइन मोटर स्किल्स होते हैं और ग्रास मोटर स्किल्स होते हैं, इनकी मोटर स्किल्स की दो टाइप्स हैं। जी, जो छोटी किस्म की जो मूवमेंट है, जो हरकत है, वो हमारी आती हैं फाइन मोटर्स में, और बड़ी हरकत है, बड़े मसल्स की मूवमेंट है, जैसा कि आपका बोलना, आपकी आंखें झपकना, ये जो है ये आपकी फाइन है। ग्रास में आपका बड़े जो मसल्स हैं, जैसा कि साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, रस्सी कूदना, वो आपके ग्रास मोटर स्किल में आते हैं। अच्छा, आपके जो प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए खासतौर पर जो फाइन मोटर है वो ज्यादा अहम होती है, ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इस पर अभी आगे चलकर हम मजीद भी बात करेंगे। जो आपके स्मॉल जो मसल्स की मूवमेंट है, याद रखिएगा, वो फाइन मोटर स्किल है, और जो बिग मसल्स की जो मूवमेंट है वो आपकी ग्रास मोटर स्किल्स है। तो काजेज ऑफ डिवेलपमेंट हमने देखे, उसके बाद हमने ये देखा कि फाइन मोटर क्या होते हैं और ग्रास मोटर स्किल्स क्या होते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आज का हमारा इंशाल्लाह ये भी रहेगा सेशन। नेक्स्ट है जी, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये जो स्टेजेस हम पढ़ रहे हैं, आगे लिखा हुआ भी है, ये बेसिक स्टेजेस ओवरऑल डिवेलपमेंट स्टेजेस है, उसमें भी है जो हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल होगी, ये किसी भी साइकोलॉजिस्ट के, प्याजे वाइगोट्स की या एरिक्सन वगैरह की स्टेजेस नहीं है, वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि उनकी अपनी स्टेजेस क्या हैं। ये ओवरऑल स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये फर्क जरा देखिएगा। द स्टेजेस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ आर द जनरल स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, वो कौन कौन सी है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। सबसे पहली जो स्टेज है, प्रीनेटल स्टेज इसे कहा जाता है, ये 0 to 9 months होती है, इससे लाइफ स्टार्ट होती है। और ये जो प्रीनेटल स्टेज है, ये टाइम स्पैन होता है किसी भी इंडिविजुअल का, विच इज स्पेंट बाय हिम और हर इन द वूम ऑफ हिज और हर मदर, ये 0 to 9 होता है। अब अभी हमने जो देखे थे, तीन डोमेन्स होती हैं। अब जो भी स्टेज होगी उसमें हम इन तीनों डोमेन्स को फॉलो करेंगे कि इन तीनों डोमेन्स में बच्चा इस स्टेज पर क्या क्या डेवलप करता है। अभी हमने डिस्कस किया था फिजिकल, कॉग्निटिव और एसई या सोशल इमोशनल। ये जितनी भी स्टेजेस हम आगे पढ़ेंगे उनमें इन तीनों एरियाज को हम फोकस करेंगे कि हर स्टेज पर ये तीनों एरियाज, बेसिक एरियाज, क्योंकि यही तीन है, इन तीनों एरियाज में हर स्टेज पर बच्चा कैसे डिवेलप करता है। तो प्रीनेटल स्टेज की जो खसूसियात है उसमें ये तीनों डोमेन्स क्या करती हैं, कैसे आती हैं, सबसे पहले हम यही देखेंगे। जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बच्चे की जो स्टेजेस हैं, जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, उनको 5 stages में डिवाइड किया है। अभी हम इसको पर गौर करेंगे कि किस स्टेज पर बच्चा क्या कुछ कर रहा होता है। हर स्टेज पर जाहिरी बात है कुछ कुछ अलग कर रहा होता है, हर स्टेज की अलग अलग खसूसियात है। कोशिश है कि ये तीनों आपको हेडिंग्स में याद रखना आसान हो जाएगा, बजाय इसके कि आप रट्टा लगाएं, रट्टा आपको नहीं लगाना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो प्रीनेटल स्टेज है इसमें हम सबसे पहले फिजिकल देखेंगे कि फिजिकल डेवलपमेंट इस स्टेज पर कैसे होती है। तो जैसा कि मैंने लिखा हुआ भी है कि इस स्टेज पर जो फिजिकल डेवलपमेंट है प्रीनेटल स्टेज पर, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा तेज जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है या ग्रोथ है बच्चे की, वो इसी प्रीनेटल स्टेज पर होती है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स कुछ जो दिन है उसमें सुई के बराबर होती है और वहां में ये 1 foot तक बढ़ जाती है, मतलब लाखों गुना बढ़ जाती है जस्ट इन द पीरियड या टाइम फ्रेम ऑफ 9 months। तो ये जो फिजिकल, अगर सवाल है कि फिजिकल जो 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 सबसे ज्यादा फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट हाईएस्ट किस पर होती है, किस लेवल पर होती है, तो वो यही प्रीनेटल स्टेज होगी। इसके अलावा आपने देखा इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो हैं वो डिवेलप स्पीडिली, ऑर्गन्स या आजा बड़ी जल्दी से डिवेलप हो रहे होते हैं बच्चे के। अभी हमने देखा कि छोटे से एक सुई से लेकर एक फुट तक बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आके मैंने लिखा हुआ भी है कि प्रीनेटल स्टेज से रिलेटेड कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, कि हाईएस्ट फिजिकल ग्रोथ इसी में होती है, हाईएस्ट फिजिकल डिवेलपमेंट इसी स्टेज पर होती है, ऑन विच स्टेज लाइफ स्टार्ट्स, तो प्रीनेटल स्टेज, प्रीनेटल स्टेज कब तक होती है, 0 to 9 होती है,
इसमें हाईएस्ट फिजिकल ग्रोथ होती है, हाईएस्ट फिजिकल डेवलपमेंट होती है, और लाइफ स्टार्ट भी प्रेनेटल स्टेज से ही होती है। इसके बाद अगर हम इसका दूसरा पार्ट देखें कि डोमेन कॉग्निटिव डोमेन इस स्टेज पर कहाँ होती है बच्चे की, तो इस पर लिखा हुआ भी है टेक्नोलॉजी, अभी तक दुनिया इतनी तरक्की याफ्ता नहीं हुई कि बच्चे के प्रीनेटल स्टेज की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को मेजर किया जा सके, तो इसका हमें कोई पता नहीं है। और इसी तरह से सोशल इमोशनल जो डेवलपमेंट है उसका भी हम नहीं जानते, हम सिर्फ और सिर्फ इसकी इस स्टेज की फिजिकल ग्रोथ और डिवेलपमेंट के बारे में जानते हैं। और वो क्या जानते हैं कि सबसे ज्यादा हाइएस्ट लेवल और सबसे ज्यादा स्पीडी जो ग्रोथ होती है फिजिकल वो इसी प्रीनेटल स्टेज पर होती है। जी माता जी दूसरी स्टेज है इन्फेंसी। सर आपने बताया था कि जो इसमें तीनों डोमेन्स एक साथ चलती हैं, तो अभी इसमें फिर एक की क्यों हो रही है डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट क्यों हो रही है, कॉग्निटिव भी नहीं हो रही और साइकोमोटर भी नहीं हो रही। अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा हुआ कि नहीं हो रही है, क्या लिखा हुआ है कि वी डू नॉट नो, क्योंकि अभी तक दुनिया में ऐसा कोई आला इजाद नहीं हुआ जो बच्चे के प्रीनेटल स्टेज की डेवलपमेंट सोशल इमोशनल और कॉग्निटिव को मेजर कर सके। मैंने अभी बताया, मैंने ये तो नहीं कहा कि ये नहीं हो रही है, मेजरमेंट नहीं हो सकती, अदरवाइज होती है ये डेफिनेटली होती होगी। फिर ये तो हम कंफर्म तो नहीं है ना कि होती है या नहीं होती। जी जी लेकिन जो जो हमने बात की थी जिसमें हमने ये कहा था कि ये दोनों एक साथ चलती हैं, वो प्रीनेटल पीरियड की नहीं की थी हमने। आप देखिएगा, आप जरा गौर करें कि ये प्रीनेटल पीरियड जो है वो 0 से 9 मंथ होता है, अभी बच्चे की लाइफ जो है क्रोनोलॉजिकल लाइफ तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई। तो हमने ये कहा था कि जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद उसकी जो डेवलपमेंट है वो सेम होती है। यस सर, वो तो सर वैसे भी वो माँ के पेट में है ना, तो अभी सिर्फ वो फिजिकली ग्रोथ कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसका जहनी तौर पे तो नहीं ना बता सकते कि बच्चे का जहन जो है वो कैसे सोच सकता है, वो क्या काम कर सकता है और उसके वो दुनिया में आके ताल्लुकात कैसे बनाएगा, ये तो हम पेट में नहीं बता सकते। बिल्कुल, दूसरा ये जो प्रीनेटल स्टेज है ये विद इन द मदर वूम होती है। हमारी चूंकि ज्यादातर फीमेल की क्लास है तो मैं इसकी डिटेल में मैं खुद नहीं गया कि उसमें क्या क्या होता है और क्या नहीं आता है। तो हमने जो कहा था कि बच्चे की तीनों डेवलपमेंट हो रही होते हैं तकरीबन एक साथ, तो वो उसकी पैदाइश के बाद की बात की थी हमने, प्रीनेटल की बात नहीं हुई थी उसमें। लेकिन सर वैसे भी ये भी तो सुना है कि वो बच्चे को पता होता है वो जब मतलब के पेट में होता है वो सुन रहा होता है कि ये मेरी मामा की आवाज है, उस पोजीशन में तो ये बहरहाल इसका अभी कोई मेरे पास तो नहीं है साइंटिफिक प्रूफ। और आप कोशिश किया करें कि जब मैं पूछूं कि कोई क्वेश्चन है तो आप लिखते रहा करें, तब किया करें ताकि हमारी जो स्टेमिना है वो बरकरार रहे, क्योंकि ये स्टेजेस आपस में कनेक्टेड है, दरमियान में इंटरप्शन होती है तो वो वाला रिदम नहीं रहता। इसके बाद दूसरी स्टेज है इन्फेंसी। इन्फेंसी जो है वो 0 to 2 years होती है, मतलब पैदाइश से लेकर 2 साल तक। इसके जो दूसरे नाम है इसको टॉय एज भी कहते हैं, इमिटेटिव एज भी कहते हैं। इमिटेटिव एज इसलिए कहते हैं कि बच्चा दूसरों को कॉपी कर रहा होता है 2 years की एज में। ये हम जब स्टेजेस पढ़ रहे होंगे तो आप काइंडली किसी भी 2 years के बच्चे को जरा माइंड में रखिएगा। तो ये टॉय एज भी इसलिए कहा जाता है कि बच्चा खिलौनों से जो है वो दिल बहलाता है, खेलता है। इस पर इस स्टेज की हम तीनों चीजें देखेंगे कि फिजिकल क्या होती है, कॉग्निटिव क्या होती है और सोशल इमोशन जो डेवलपमेंट है वो कैसे होती है। फिजिकल में हम देख रहे हैं कि फिजिकल ग्रोथ लेस स्पीड होती है एज कम्पेयर टू प्रीवियस स्टेज। जैसा कि हमने देखा था कि प्रीनेटल तो सबसे ज्यादा फिजिकल ग्रोथ होती है, इससे ज्यादा तो और किसी स्टेज पर नहीं होगी, लेकिन इस स्टेज में स्पीड पिछली जो स्टेज है उससे कम हो जाती है, बट मोर देन प्रीसीडिंग स्टेजेस। अपने से पिछली स्टेज प्रीनेटल से तो कम स्पीड होती है फिजिकल, लेकिन जो आने वाली स्टेज है जो अर्ली चाइल्डहुड है 2 to 6 years की है उससे ज्यादा होती है फिजिकल ग्रोथ बच्चे की स्टेज पर इन्फेंसी पर। दूसरी चीज है कि कॉग्निटिव की जो डिटेल है ये अभी इससे रिलेटेड है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह प्याजे में, उसकी भी स्टेजेस हैं वो अलग से है, डिटेल हम उसमें पढ़ेंगे कि कितनी होती है। इसके अलावा है
कि जो सोशल इमोशनल है वो क्या होती है। यहाँ पर जो सोशल इमोशनल ग्रोथ है या सोशलाइजेशन बच्चे की है, उसमें जो प्राइमरी एजेंसी है वो उसका घर होता है। ये एक स्टेटमेंट आ सकती है। अच्छा, ये जो स्टेज है इन्फेंसी, याद रखिएगा, इसको इसको प्याजे ने सेंसरी मोटर स्टेज कहा है। प्याजे की सेंसरी मोटर स्टेज होती है ये इन्फेंसी। अच्छा, सोशल इमोशनल या सोशलाइजेशन बच्चे की स्टार्ट हो रही होती है। सोशलाइजेशन क्या होती है? बच्चा जो है वो अपने जो इर्द गिर्द के करीब तरीन के जो लोग हैं, चीजें हैं, उनके साथ उसका कनेक्शन हो रहा होता है। यहाँ पर बच्चे की सोशलाइजेशन की, जरा याद रखिएगा, सोशलाइजेशन की प्राइमरी जो एजेंसी है वो होम होता है, वो घर होता है। जबकि प्राइमरी जो एजेंट्स हैं, जब वो घर पर होता है, घर के एनवायरमेंट में होता है 2 साल की उम्र में, तो प्राइमरी एजेंट्स उसके पेरेंट्स होते हैं या सबलिंग्स होते हैं, मतलब वालदैन होते हैं या उसके बहन भी और होते हैं। तो यहाँ पर नई चीज हमने जो देखी वो बच्चे की सोशलाइजेशन है, कि बच्चे का जो ये स्टेटमेंट आ सकती है कि इन्फेंसी में बच्चे की जो सोशलाइजेशन है उसकी प्राइमरी एजेंसी क्या होती है? होम, और प्राइमरी एजेंट पेरेंट्स एंड सबलिंग्स। जी, इसके बाद है तीसरी स्टेज जिसको कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड, जो 2 से 6 इयर्स टाइम स्पैन है जिसका, और इसको प्ले एज भी कहते हैं, इसको प्री गैंग एज भी कहते हैं। प्री गैंग, गैंग से पहले की, ग्रुप से पहले की। और इसमें बच्चे की जो दिलचस्पियां होती हैं वो फ्रेंड्स प्लस टॉयज होती हैं। अगर आप प्रीवियस स्टेज देखें, इन्फेंसी में बच्चा सिर्फ किस में दिलचस्पी ले रहा होता है? टॉयज में। जबकि यहाँ पर फ्रेंड्स उसके साथ इजाफा हो जाता है, वो टॉयज के साथ साथ, टॉयज प्लस फ्रेंड्स है, तो टॉयज के साथ साथ वो फ्रेंड्स में भी दिलचस्पी लेना स्टार्ट कर रहा होता है। अगर इसकी हम देखें फिजिकल, क्या लिखा हुआ है? जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि स्पीड मजीद कम हो जाती है फिजिकल, जो सबसे ज्यादा थी प्री में, उसमें हुई। अब अर्ली चाइल्डहुड में 2 से जो 6 इयर्स का टाइम स्पैन है उसमें मजीद स्पीड कम हो रही है। अगर कॉग्निटिवली हम देखें तो इस स्टेज पर जो कॉग्निशन है वो उसकी मजीद हायर हो रही है, लैंग्वेज डेवलपमेंट उसकी बढ़ रही है, हाईएस्ट स्पीड होती है अकॉर्डिंग टू चोमस्काई। चोमस्काई के नजदीक अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो सबसे ज्यादा इसी स्टेज पर हो रही होती है। इसमें इसमें अगर सोशलाइजेशन की बात करें तो मेन जो एजेंसी है अब बच्चे की, प्रीवियस स्टेज में इन्फेंसी में मेन एजेंसी होम था, अब उसकी मेन एजेंसी होम नहीं रहा बल्कि स्कूल है। याद रखिएगा, इन्फेंसी में सोशलाइजेशन की जो एजेंसी है वो होम और एजेंट पेरेंट, जबकि अर्ली चाइल्डहुड में सोशलाइजेशन की मेन एजेंसी जो है वो स्कूल है, और उसके एजेंट है उसके टीचर और पीएस या साथी। अब वो उसके जो है वो पेरेंट्स की बजाय टीचर्स पर आ गई है, और अपने बहन भाइयों के बजाय पीयर्स पर आ गए। यहाँ पर उसने फ्रेंडशिप उसकी, और कहा जाता है कि इस दौर की जो फ्रेंडशिप होती है वो सबसे ज्यादा पायदार होती है और सबसे ज्यादा ड्यूरेबल होती है। यहाँ पर जो मेन एजेंट्स थे वो कौन हो गए? टीचर्स और पीयर्स। और सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंटेंस सोशलाइजेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशलाइजेशन है, वो इसी अर्ली चाइल्डहुड में होती है, जैसा कि अभी हमने बात की। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है पेरेंट्स की बजाय टीचर्स पर आ रही है, बहन भाइयों की बजाय पीयर्स पर आ रही है, और यहाँ के दौर के जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमेशा बंदे को याद रहते हैं। तो इसकी जो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं, अच्छा, इसमें इसको अर्ली चाइल्डहुड को पियाजे ने प्री ऑपरेशनल स्टेज का नाम दिया है, और ये इसमें से जो सवाल आ सकते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड कहाँ से कहाँ तक होती है, इसके दूसरे नाम क्या है, प्ले एज है, प्री गैंग एज है, फ्रेंड्स प्लस टॉयज है, या पर फिजिकल डेवलपमेंट कितनी होती है, कॉग्निटिव सबसे ज्यादा होती है, और सोशलाइजेशन है ये किस स्टेज पर बच्चा जो है वो फ्रेंड्स बनाता है, तो वो यही अर्ली चाइल्डहुड होती है।
और इसमें मुख्तलिफ किस्म की उसकी सोशलाइजेशन जो है वो डिवेलप होती है। ये थी अर्ली चाइल्डहुड। इसके बाद है मिडल एंड लेट चाइल्डहुड। मिडल एंड लेट चाइल्डहुड होती है 6 to 11, जहाँ इसका नाम है गैंग एज। आपको याद होगा प्रीवियस जो अर्ली चाइल्डहुड थी उसमें हमने देखा था कि उसे प्री गैंग एज कहा गया था, यानी गैंग कहते हैं अपनी ग्रोह बनाने को, वो ग्रोह से पहले की एज थी। जबकि जो चौथी मिडल एंड लेट चाइल्डहुड है जो 6 to 11 है, ये गैंग एज है, एज है। यहाँ पर अपना एक बच्चा जो है अपना ग्रोह सिलेक्ट करता है, जिसका वो पार्ट बनता है, जिसके वो साथ रहता है। इसमें अगर फिजिकल है तो मजीद देखें, इसका निशान नीचे जा रहा है, ये जारी तो है लेकिन मजीद कम हो गई है। इसके अलावा जो कॉग्निटिव सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है स्कूल होता है इसका मरकज, और वहां पर टीचर्स होते हैं, पीयर्स होते हैं, यहाँ पर वो गैंग बनाता है, परमानेंट होते हैं, और ये सेम जेंडर में जो आता है। तो इसमें क्या होगा कि इसकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो मजीद कम हो जाएगी स्पीड, कॉग्निटिव थोड़ी सी बढ़ेगी, जबकि सोशलाइजेशन में सबसे ज्यादा वो काम कर रहा है, वो गैंग बना रहा है, और टीचर्स में जो उसके इंटरेस्ट है वो थोड़ी सी कम होती जा रही है, आपने निशान देखा होगा, और पीयर्स में दिलचस्पी उसकी बढ़ती जा रही है। इससे गैंग को अपना ग्रोह बनाता है, जिसमें से काफी जो ग्रोह होते हैं वो नेगेटिवली भी डिवेलप हो जाते हैं, बच्चे मिलकर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की वारदातें करना शुरू, वो एडवेंचर के शौकीन हो जाते हैं जो कि उनके लिए ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो सोशलाइजेशन होती है जहाँ पर वो गैंग बनाता है वो यही मिडल एंड लेट चाइल्डहुड। पांचवी जो स्टेज है एडोलेसेंस, इसको बोलते हैं एडोलेसेंस भी बोलते हैं, जो आपको आसान लगे। एडोलेसेंस में क्या होता है यहाँ पर हम देखेंगे ये किस लिहाज से ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्या क्या कुछ हो रहा होता है इसमें। होता है जी फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों बढ़ रही हैं, अगर आप निशान देखें तो इसमें पॉबर्टी होती है, यहाँ पर उसकी जो ग्रोथ सर की आवाज आ रही, सर आवाज नहीं आ रही आपकी, यकदम बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके अलावा दूसरी जो चीज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये भी हाईएस्ट होती है अकॉर्डिंग टू पियाजे, जो बच्चे के एडोलेसेंस है उसमें हाईएस्ट जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है हाईएस्ट होती है अकॉर्डिंग टू पियाजे। इसके अलावा सोशियो इमोशनल की अगर हम बात करें, अच्छा ये इसकी जो फिजिकल ग्रोथ है ये हाईएस्ट ग्रोथ रेट इसका हो जाता है फॉर हाइट का। अगर इसका आप एग्जैक्टली देखना चाहें 13 से 19 साल की उम्र तक इसकी जो अराउंड 3.5 इंचेस पर ईयर इसकी ग्रोथ हो रही होती है फिजिकल ग्रोथ, जहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना जल्दी बच्चा ग्रो कर रहा होता है। सर ये आपने पुबर्टी और स्पर्ट क्या लिखे ये दोबारा बता दें। जी पुबर्टी होती है बलोगत को, बच्चा बालिग होता है इस उम्र में, और स्पर्ट ग्रोथ का मतलब है कि अचानक इसकी ग्रोथ रेट बढ़ जाता है। अभी मैंने देख बताया कि अराउंड 3.5 इंचेस पर ईयर ये बढ़ रहा होता है, इसकी हाइट जो है ग्रोथ रेट जो है वो अचानक बढ़ जाता है इस एज में। ये तो था फिजिकल ग्रोथ। अब कॉग्निटिव में हमने देखा कि हाईएस्ट कॉग्निशन इसकी हो रही होती है, बहुत ज्यादा इसके जो जहनी जो इस्तेदाद है वो भी साथ साथ में, चूंकि फिजिकली बढ़ रहा होता है तो साथ में इसके जो जहनी इस्तेदाद है उसमें मैच्योरिटी आ रही होती है, उसकी आइडियाज डेवलप हो रहे होते हैं और वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। अगर